क्योंकि हमने चर्चा की है खाद्यान्न के महंगाई के दर पे सभी सदस्यों ने बात रखी, लेकिन जो मूल बात यहाँ सदन में हुई है उससे मैं कुछ अलग राय रखता हूँ। हम महंगाई की बात करते हैं तुरंत आलू प्याज टमाटर पे आ जाते हैं। हमने क्या सीमेंट सरिया ईंट की बात की, ट्रैक्टर के भाव की बात की, पंप सेट के भाव कैसे बढ़ गए उनकी बात की, क्या किसान की लागत की हम चर्चा कर पा रहे हैं? मैं आंकड़े दूंगा। अप्रैल से जून 2020 ये जो तीन महीने हैं, अगर उसमें CPI फूड इन्फ्लेशन 8% रहा, जो काफ़ी होता है मैं मान रहा हूँ, उसी समय में आपका WPI फार्म इनपुट इन्फ्लेशन 27.4% रहा। और यहाँ मैं लिव्ड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, अनुभव बताना चाहता हूँ, अगर आंकड़ा गलत हो, बहुत सदस्य यहाँ ऐसे हैं जो खेती करते हैं, जानते हैं, बता दें 2014 में अगर एक एकड़ के गेहूं के खेत पे ट्रैक्टर से आप जुताई करते आपके औसतन 3,000 रुपये खर्च हो रहे थे, आज 8 साल बाद 5,400 रुपये खर्च होते हैं। एक एकड़ के धान की खेती आप करते 300 रुपये का बीज आ जाता था, आप 600 रुपये लग रहे हैं। आपके खाद और दवाई पे अगर 3,000 रुपये 2014 में खर्च हो रहे थे एक एकड़ के धान की खेती करने वाले किसान के लिए, आज 6,000 रुपये तक वो आंकड़ा पहुंच गया। तो हम सिर्फ महंगाई की बात करें, ठीक है, टॉप है, आपने स्कीम बनाई, 2018 में 500 करोड़ दिए। सवाल बनता है कि उस संसाधन का क्या प्रयोग हुआ? क्या हमने खाद्य प्रसंस्करण की इंडस्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया है? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या टॉप टोमेटो से शुरू होता है, टमाटर से शुरू होता है, टमाटर के प्रोसेसिंग पे आप 12% GST वसूलना चाहते हो? क्या ये सच्चाई नहीं है कि पोटैटो को प्रोसेस करने के लिए अगर आप चिप्स बनाएंगे, नमकीन बनाएंगे, तो उस पर भी आप 12% GST वसूलना चाहते हो? ये भी एक कारण है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो बेकाबू हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा वित्त मंत्री को, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप CPI में जो वेटेज है फूड का, अगर आप उसे घटा देंगे तो ये जो चर्चाएं बेवजह होती हैं आप पे भी दबाव कम होगा। आप तुलना कीजिए, जर्मनी में CPI का वेटेज फूड का क्या है, 8.5%, ब्राजील में 25.5%, चाइना में 19.9%, पाकिस्तान में भी 35% है, हमारे यहाँ 46% है। इसलिए दूध का भाव 1 रुपये बढ़ जाएगा तो त्राही त्राही मच जाएगी, आप पे भी दबाव बन जाएगा और फिर आप व्यवहारिक फैसले नहीं ले पाती हो। हमने देखा है, दुनिया ने देखा, कॉमर्स मिनिस्ट्री डेलीगेशन तैयार कर रहा था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री PM को ब्रीफ कर रहे थे, प्रधानमंत्री यूरोप में कह रहे थे कि हम दुनिया का पेट भरेंगे, गेहूं का निर्यात करेंगे, और कुछ ही दिन में आपने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे फैसले ना हो, इसलिए मेरी मांग है। दूसरी बात, मैं भी अभी कंक्लूड कर रहा हूं, मेरी सहानुभूति है वित्त मंत्री जी के साथ, क्योंकि जब से वो आई हैं वो मजबूर होकर क्राइसिस मैनेजमेंट मोड में उन्होंने काम किया, लेकिन हमें सिनेरियो प्लानिंग करनी चाहिए, भविष्य की प्लानिंग योजना हमें बनानी होगी। मैं पूछना चाहता हूं, आज मॉनसून डेफिशिएंसी है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में जितनी औसतन बारिश होती थी नहीं हुई, 23% धान की बुआई उत्तर प्रदेश में कम हुई है, क्या वहाँ के कृषि मंत्री विभाग ने कोई मीटिंग ली है? क्या आपने उनके साथ बैठक ली है? क्या आप उनके साथ बैठक लेंगी? उसका जवाब मैं आपके उत्तर में जानना चाहूँगा। और अंततः जो आम आदमी कहता है उसके पास सारी चीज़ों का समाधान है। मैं बताना चाहता हूँ कि एक आम आदमी ने मुझे कहा कि आप सदन में जा रहे हैं, चर्चा करेंगे, वहाँ ये समाधान दे दीजिए ना। मैंने पूछा क्या समाधान है, उसने कहा सरल है, ऐसी व्यवस्था बना दो, 5 साल तो सरकार रहेगी इनकी, ऐसी व्यवस्था बना दो कि हर 2-3 महीने में कहीं चुनाव करा दो और आप देखोगे सरकार डीजल, पेट्रोल, बिजली कोई भी भाव बढ़ने नहीं देगी। राइट, धन्यवाद। जन ज्वार, जनता की मीट।